जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल दी कॉफी पेन में। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है विश्व की प्रमुख झीलें। ठीक, संसार में जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि झीलों से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली झील की। तो पहली झील का नाम है कैस्पियन सागर, और ये किस किस क्षेत्र में है? रूस में भी इसका विस्तार है। ठीक, रूस से भी संबंधित है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान। और क्षेत्रफल की बात अगर वर्ग किलोमीटर में करें तो इसका क्षेत्रफल 371,000 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड नंबर पे है हमारी सुपीरियर झील। ठीक, कौन सी झील? सुपीरियर झील, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अमेरिका और कनाडा से, और इसका क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक, 82,100। इसके बाद हम लोग विक्टोरिया झील की बात करते हैं, जो केन्या, युगांडा तथा तंजानिया से संबंधित रखती है, और इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 69,484 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अरल सागर झील आती है, जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान से संबंधित है, और 68,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। ऐसे ही ह्यूरन झील की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में से संबंधित है, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 69,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ऐसे ही मिशिगन झील की बात करें तो ये भी यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो 57,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। ऐसे ही टांगानिका झील, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तंजानिया, जैम्बिया तथा जैरे से। ठीक, और लगभग 32,900 या 32,900 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तार है इसका। बैकाल झील रूस में है। ठीक, और क्षेत्रफल वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो मैं यहाँ पे संबंधित क्षेत्र पढ़ देता हूँ, बाकी अगर आपको क्षेत्रफल एक बार देखना है तो आप देख सकते हैं। बैकाल झील की बात करें तो ये रूस में है। ऐसे ही मलावी झील की बात करें तो ये मलावी तथा मोजाम्बिक से संबंधित है, के क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रेट स्लेव झील संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कनाडा। ऐसे ही ईरी झील है, इसका संबंधित क्षेत्र कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ऐसे ही विनिपेग झील है, तो ये संबंधित है कनाडा से। ओरेंटियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से संबंधित है। ऐसे ही बालखस झील की बात करें तो ये कजाकिस्तान से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर चाड झील की बात करें तो नाइजीरिया, नाइजर व चाड और कैमरून के क्षेत्र से संबंधित है। और इसके बाद लडोगा झील की बात करें तो रूस में है। ओनेगा झील भी रूस में है। आयर झील भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। टिटिकाका झील ये पेरू, बोलीविया से संबंधित है, के क्षेत्र से। और निकारागुआ झील निकारागुआ में है। अथावास्का झील कनाडा में है। रेंडियर झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। इसिकुल झील ये किर्गिस्तान में है। ठीक, तो ये झीलों के नाम थे लगभग 24, और संबंधित क्षेत्र किस कौन से क्षेत्र से संबंधित कौन से झीलें उसका यहाँ पे वर्णन अभी हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है, और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। याद रखने लायक तथ्य है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, आगे है टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है, यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक, ऐसे ही कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील, कहे कि खारे पानी की, कौन सा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ऐसे ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक, ऐसे ही टिकीकाका लेक हनीमून लेक कहलाती है। तो ये विश्व की प्रमुख झीलें हैं, और इनके संबंध में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अभी आपके सामने मैंने
रखा, तो आप ये सब एकदम आराम से याद कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे रोचक तथ्यों के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।